सो फ्रेंड्स, पनवेल में जो ब्यूटिफिकेशन हुआ है उसमें लाइक बिगेस्ट डस्टबिन ऑफ फेमस, मतलब फेमस डस्टबिन ऑफ पनवेल इज नाउ फेमस, इज गोइंग टू बिकम, मतलब बन रहा है फेमस सेल्फी पॉइंट ऑफ पनवेल। ठीक है, बहुत सा काम हो गया है, आइए दिखाता हूँ। ये जो है ये अपना फिनिक्स होटल है, फिनिक्स होटल के सामने ही है जो अपना खांदा कॉलोनी का रोड है उधर। तो ये हो गया ऐसे, ये देखिए, यहाँ पे अगर आपको याद हो तो एक वक्त था जब यहाँ से गुजरते वक्त लोग अपनी नाक बंद कर लिया करते हैं, और अब वही लोग यहाँ पे खड़े होके सेल्फी खींचेंगे। तो यहाँ पे एक सीढ़ी बनाया है, कलरफुल किया है। ये जो पॉइंट है, एक और बात बता दूँ मैं आपको, ये जो पॉइंट है ये अभी तक गूगल मैप्स में है नहीं। गूगल मैप्स में मैं इसको डालने का सोच रहा हूँ, दो नाम सोचा है, एक द पीकॉक ऑफ पनवेल और दूसरा जो नाम है वो है पीकॉक सेल्फी पॉइंट न्यू पनवेल। मेरे को जो अच्छा लगा है वो है द पीकॉक ऑफ पनवेल। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसको अंदर से दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे पहले बार्स थे, बार्स निकाल दिया है। ठीक है, ये पूरी तरह से अभी तक तैयार नहीं है, लेकिन जितना तैयार है बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे घास है, यहाँ पे पीकॉक है, ये भी बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट से बनाया है। ये रॉड्स है, देखिए ये रॉड सब अपना जो बार है ना वो सब वेल्डिंग वालों के पास पड़ा रहा होगा तो उससे बनाया है। ये आपका सोच भी नहीं सकते क्या है, ये बाइक का जो पेट्रोल टैंक है ना ये वो है। देखिए ठीक से, ये बाइक का पेट्रोल टैंक है और उसके ऊपर ये शायद कोई कहीं पाइप पड़ा होगा, वहाँ से इसका मुंह बनाया है टेढ़ा मेढ़ा करके। ये बाइक का पेट्रोल टैंक है, देखिए इसके अंदर जैसा रहता है ना पल्सर वल्सर का कुछ तो होगा। और ये जो सर्कल से ये जनरली वो पड़े रहते हैं वेल्डिंग वालों के पास, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है ये जो जहाँ मिला वहाँ पर लगा दिया। ये पत्ते पड़े होंगे कहीं ना कहीं, किसी ने बनाए रहेंगे, किसी के पास हाफ होगा, कम पड़ गया होगा तो हाफ बनाया है इसको। देखिए हाफ यहाँ पे लगाया है, यहाँ पे लगाया है, दो लेयर्स है। और इसके पीछे जो है, पीछे और एक और बात, यहाँ पे जो है ये घास डाला है, ये जो घास है जहाँ तक मेरा ख्याल है, हाँ ये आर्टिफिशियल घास है, लेकिन नीचे जो है वो ओरिजिनल दुर्बा घास है। ये आर्टिफिशियल घास है, नीचे ओरिजिनल दुर्बा है। पीछे इसका बैकग्राउंड देने के लिए ये क्रीपर्स लगाए हैं, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे ये यहाँ तक लगाए हैं। ऊपर अभी भी काम चालू है लगता है, अभी तक बाकी होगा। लाइटिंग का अभी तक कुछ अरेंजमेंट दिख नहीं रहा है मेरे को, लेकिन क्योंकि ये इस जगह पर है और सामने ऊपर बड़ा लाइट है तो रात को जब इस पर लाइट गिरेगा तो शुड बी वेरी गुड। लेकिन एक चीज़ है कि अपना मोर जो है, ये मोर भी हरा है और इसके पीछे जो बैकग्राउंड आएंगे वो भी हरा है, तो दूर से ये मोर जो है बैकग्राउंड के साथ कैमोफ्लेज हो जाएंगे, ये एक पॉइंट है। लेकिन जो भी है सुंदर है, आप कम से कम बहुत सुंदर है, ठीक है। और पीछे भी इनका अगर कोई फूल आया, मतलब फूल का कलर जो हरे रंग से कोई भी अलग फूल आया तो ये मोर जो है सामने से उभर के आएगा, बहुत सुंदर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी फ़िलहाल 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइन लगा है, मुझे लगता है ऊपर तक जाएगा। तो मेरा एक पर्सनल सजेशन है कि अभी ओरियन मॉल के उधर आई लव पनवेल लिखा हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पर अगर आई लव इंडिया लिखेंगे तो दैट विल मेक अ सेंस, क्योंकि मोर जो है वो हम लोगों का वो है, राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है। तो ये एक है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो न्यू पनवेल में जो जो मॉडिफिकेशन हुआ है उसमें ये वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि ये सबसे बड़ा डस्टबिन था कचरा पेटी, और वहाँ पे ये सबसे बड़ा अभी सेल्फी पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। तो वही मैं इसको गूगल मैप्स में रजिस्टर करता हूँ एज द पीकॉक ऑफ न्यू पनवेल, ठीक है, या पनवेल द पीकॉक ऑफ पनवेल करके। नाइस, अभी इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का काम होगा नहीं होगा, मुझे लगता है होगा। बच्चे लोग यहाँ पर आके सेल्फी निकाल सकते हैं अपना, बहुत जनों को डांस शूट करना रहता है, रील्स शूट करना रहता है इंस्टाग्राम के लिए, वो भी कर सकते हैं, वेरी नाइस। चलो